सोलन में एक व्यक्ति को लालच देकर तीन नेपालियों के गिरोह ने एक बिहारी मूल के व्यक्ति को ठग लिया। मिली जानकारी के अनुसार ये तीन नेपाली ठग पीड़ित को बैंक में मिले और उन्होंने फिर उसे अपना जाल बिछाया और बिहारी को अपनी बातों में फंसा कर वहां से बस स्टैंड ले गए, जहां उसे एक लिफाफा दिया गया और उसे बताया गया कि इसमें करीबन 2 लाख रुपए हैं। कुछ देर में एक नेपाली ने उससे 15,000 रुपए मांगे तो पीड़ित ने उसे ये सोच कर दे दी कि उसके पास उनका एक 2 लाख रुपए वाला लिफाफा है। लेकिन कुछ देर बाद जब वे नहीं लौटे तो उसने वहां पर नोटों का लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें नोट नहीं बल्कि कागज की कट्टी थी। सोलन में एक व्यक्ति को लालच देकर तीन नेपालियों के गिरोह ने एक बिहारी मूल के व्यक्ति को ठग लिया। मिली जानकारी के अनुसार ये तीन नेपाली ठग पीड़ित को बैंक में मिले और उन्होंने फिर इसके बाद अपना जाल बिछाया और बिहारी को अपनी बातों में फंसा कर वहां से बस स्टैंड ले गए, जहां उसे एक लिफाफा दिया और उसे बताया गया कि उसमें करीबन 2 लाख रुपए हैं। कुछ देर में एक नेपाली ने उससे 15,000 रुपए मांगे तो पीड़ित ने उसे ये सोचकर दे दिए कि उसके पास उनके 2 लाख रुपए हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वे नहीं लौटे तो उसने वे नोटों का लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें नोट नहीं बल्कि कागज की गठ्ठी थी। तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वे ठेकेदार से एडवांस पैसे लेकर अपने घर बिहार पैसे भेजने के लिए बैंक आया था, लेकिन जब वह पैसे भेजने के लिए स्लिप लिख रहा था तो तीन नेपाली उसके पास आए और कहने लगे, हम यहाँ पर नए हैं और हमें देहरादून की बस में बिठा दो। इस कार्य के लिए उन्होंने 500 रुपए देने का प्रस्ताव रखा। वह भी उनकी बातों में आ गया और उनके साथ बस स्टैंड चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने उसे एक लिफाफा पकड़ाया और कहा कि इसमें 2 लाख रुपए हैं। बस स्टैंड पर एक नेपाली ने कहा कि मुझे अभी 15,000 रुपए की जरूरत है, तो उसने अपने 15,000 रुपए उसे दे दिए। जब कुछ देर तक वह नहीं आया तो मैं शौचालय में जाकर उस लिफाफे को देखा तो उसे समझ आया कि वह ठगा गया है। वह तुरंत बाहर आया तो देखा कि बाकी दोनों नेपाली भी वहां से भाग चुके थे। गुरुदेव कुमार शर्मा डिटोली से आ रहे थे काम करने के लिए, बाबू के साथ सूर्य विहार के पास उतार दिए। बाबू ने 15,000 रुपये दिए, इनिटेट बैंक के पास तीन गोरखे मिल गया। मेरे को फुसला के बोला, चलो यार पैसे बस स्टैंड लेके आया माल, वहाँ पे मेरे से 15,000 रुपये लेके 15,000 रुपये लेके उसने बोला, ये 2 लाख रुपये हैं, मैं किन्नौर से चोरी करके लेके आया हूँ, दो में अपने 15,000 रुपये दो मैं गिनता हूँ। मेरे को फुसला के बोला, बाथरूम जाओ ये 2 लाख रुपये लेके। तामे बाथरूम गए, तामे ये गोरखे सब तीनों गोरखे भाग गया, सूर्य विहार से पास से मेरे को मिल गए। गरीब आदमी है तो कमाने के लिए आए हैं, तो मैं बोला भेज देता हूँ, कुछ राशन पानी ले लेगा। इसलिए गोरखे ने मेरे से बोला, 15,000 रुपये दे मैं गिनता हूँ, वो मेरा पैसे रखो 2 लाख रुपये। वो पैसे नहीं था सर जी, वो लिफाफे का गड्डी था बनाया हुआ बस। वो तामे बाथरूम गए, ता ये तीनों गोरखे भाग गए। गरीब आदमी हुआ, अब जो होगा सरकार जो करेगा करेगा जी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच2डी के साथ। नमस्कार।